कुछ ट्रीट्स अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम। आज ये संडे का व्लॉग बना रही हूँ और ये संडे नाइट 7 PM का है और हम लोग निकले थे खाने के बाद बाहर की तरफ। बर्फ़ बहुत पड़ रही है, -20 में टेम्परेचर चल रहा है, तो गाड़ी में हम लोग जा रहे हैं। असल में हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हम वहाँ कम्युनिटी सेंटर गए, वहाँ पे हम स्पोर्ट्स और जिम वगैरह करेंगे। आगे चलो, सपोर्ट आगे चलो, आहिस्ता आहिस्ता, डोंट रन, रुके। चलना बहुत मुश्किल होता है, तो बहुत आराम आराम से चलना पड़ता है। इसे आईसी पैच या फीजिंग कहते हैं। और हम लोग बहुत समझ के मैं चल रही हूँ, अंदर आ गई हूँ। देखिए सर को मैंने इस तरह कवर किया हुआ है क्योंकि ठंड बहुत थी, हवा बहुत है बाहर, तो भाई समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो इसी तरह चलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ठंड है। हम जिम के अंदर आ गए हैं, बहुत बड़ा स्पोर्ट फिटनेस सेंटर है, वेलनेस सेंटर है यहाँ पे। आप इंडोर हीटिंग सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है और आराम से आप वॉक कर सकते हैं और अदर योगा और दूसरे एक्सरसाइज भी करते हैं। देखिए ये ट्रैक जो है 3 रोज़ का ट्रैक है, इसमें एक पास एक जो लेफ्ट पे है उसमें आप वॉक कर सकते हैं। दी मिडल वाली फास्ट वॉकिंग है और जॉगिंग है, और जो आखिरी वाली है राइट पे वो है रनिंग की। तो बस हमने वॉक शुरू कर दी अंदर आके और हम वॉक कर रहे हैं। और देखिए अंदर इतना हीटिंग सिस्टम अच्छा है कि हमें सब चीज़ रिमूव कर दिया। कितने लोग वहाँ पर शाम को आके वॉक करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस बर्फ़ में बाहर तो कोई जा सकता है। अगर बर्फ़ नहीं भी हो तो हवा इतनी होती है कि आप नाकाबिल बर्दाश्त होती है और आप बीमार पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं। तो जी अंदर वॉक हो रही है और ये इतनी लाइटिंग सिस्टम इतना ज़बरदस्त है कि आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। आपके आगे भी लोग वॉक कर रहे होते हैं, साइड में वॉक कर रही है, विदेशी आंटी है लेकिन बड़ी आराम से वॉक कर रही है माशाल्लाह। तो ये इसी तरह वॉक करते, वॉक करने के बाद हम बैठ जाते हैं और थोड़ा जब वॉक कर लिए तो आप बैठ भी सकते हैं। बच्चे अलाउड हैं यहाँ पे, यहाँ की मेंबरशिप होती है। और देखें कितना ज़बरदस्त है, नीचे जो है ऊपर चेयर्स है स्टेडियम उसमें, और बाकी नीचे जो है मैचेस हो रहे होते हैं बच्चों के, मतलब प्रैक्टिस के, बच्चे बड़े बड़ों के हैं ये, तो सॉकर बॉल और वॉलीबॉल के मैचेस हो रहे होते हैं। और बीच राउंड राउंड में जो आपको गोल गोल नज़र आ रहा है, तो इस तरह फिर हमारी वॉक कम्प्लीट हो गई। फिर देखें आपको मैंने सारा दिखाया। तो अब ये नेक्स्ट मंडे की सुबह है, अब मैं उठ गई हूँ, नाश्ता कर रही हूँ, मैंने स्लाइसेस टोस्टर में डाल दिए। मैंने कहा चलो नाश्ता बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या नाश्ता बनूँ फिलहाल, तो मैंने एक अंडा बॉईल कर लिया है और वो छील रही हूँ मैं अंडा ताकि मैं बॉईल एग खा लूँ। और ब्रेड में मैं एक सैंडविच बनाऊँगी और एक चटनी है रखी हुई है, वो चटनी और मेयोनीज लगा के एक सैंडविच बना के वो खाएंगे, नाश्ता करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या करें, फिर देखें, फिर बस ये खेल शमाशा शुरू हो गया हमारा। और ये आई वॉन्ट हो गई, वाह ये सब खेल खिलौने हो रहे हैं, हम खेल रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, कलर बता रही हूँ उसको। और ये छोटी जो है ना फिर आगे कर रही है, ये सर पे बाजा बजा रही है, चलो आ जा रही हूँ, इधर आओ इधर आओ, डोंट गो, बस ये गो डाउन, गो अप, गो डाउन, गो अप होता रहता है, हमारी एक्सरसाइज होती रहती है। और फिर इसको लंच बॉक्स मैंने बनाया, देखो